Hey guys, welcome to Beast Mantra Vlogs। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक साथ दो दो आइडियाज़ देने वाला हूँ। एक आइडियाज़ है मतलब एक आप लोगों के फिटनेस के लिए अच्छा है, एक आइडिया ऐसा है। और दूसरा मैं जहाँ पे रहता हूँ मतलब कि बेलघड़िया में, वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ मैंने इन्वेंशन किया है जो आप लोगों को सुन के और देख के दोनों में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं अभी सुबह के 6:30-7 बजे तो मैं अभी एक दोस्त के घर जाऊंगा। वो दोस्त के घर पे जाने के टाइम पे रास्ते में आएगा, तो वो क्या है इसके लिए पूरा वीडियो देखो, एंड तक स्किप बिल्कुल मत करो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आज आप लोगों को क्या डिस्कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो और साथ साथ बीस मंत्रा में जो नए आए हैं वो जल्दी से बीस मंत्रा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और हाँ, आज का ये वीडियो फिटनेस रिलेटेड तो है ही है, उसके साथ साथ एक बहुत ही एडवेंचरस डिस्कवरी है जो मैंने डिस्कवर किया है अपने बेलघड़िया से। तो वो क्या है देखने के लिए एंड तक वीडियो देखो, बिल्कुल मत स्किप करो। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हे गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हम लोगों के बेलघड़िया में एक छोटा सा ले लद्दाख हो गया है, मतलब बन चुका है। तो आप लोगों को जिसको ये छोटा सा ले लद्दाख में घूमने आना है तो आप लोग जल्दी जल्दी आके घूम के जाओ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये रास्ता कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो जो जो बेलघड़िया को जानते हो उनको पता होगा, रत्तला जो जेनिथ हॉस्पिटल है उसके पहले जो तीन माथा मोड़ है वहाँ से बाएं तरफ जो रास्ता एल लाइन की तरफ जा रहा है, वो रास्ते से अगर आप लोग टूवर्ड्स बिराटी से आते हो तो वो आप लोगों के बाएं तरफ पड़ेगा, और अगर आप लोग जेनिथ की तरफ से आते हो तो सीधा पड़ेगा। तो मैं तो जा रहा हूँ जो भैरव गांगुली कॉलेज है या टूअर्स आप लोग निमता बिराटी कह सकते हो, उधर से तो मेरे लेफ्ट साइड में ही पड़ेगा। तो दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि मैं क्यों इसको बेलघड़िया का ले लद्दाख बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको जिसको घूमना है वो लोग जल्दी से आ जाओ, और जो जो ओरिजिनल जो लेह लद्दाख है वो घूम के आए हैं वो लोग तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो गरीबों का लेह और लद्दाख कैसा होता है। तो आ ही गया हूँ लगभग, और मैं क्यों इसको ये बोल रहा हूँ ये भी आप लोगों को भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो दोस्तों आज मैं अपने साइकिल से राइड करते हुए जा रहा हूँ, एक काम है वहीं पर। तो उसके पहले अभी तक गवर्नमेंट ने जिम खोलने का कोई नोटिस दिया तो नहीं है, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम लोग आ गए वो रास्ते में जो बेलघड़िया का ले लद्दाख है। तो चलो दोस्तों देखते हैं, ये देखो हाँ, अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और रास्ता देखो दोस्तों पूरा एडवेंचर्स है। सिर्फ साइड में पहाड़ ही होना बाकी था, अगर एक अच्छे से पहाड़ के बगल में ये रास्ता होता तो इसको मैं गरीबों का नहीं अमीरों का ही ले लद्दाख बोल देता। और ये राइडिंग करते हुए यहाँ पे इतना सारा ज़्यादा झटका लगता है कि पूछो ही मत। तो फिलहाल ये रास्ता तो कवर कर लिया, लेकिन इसके सामने वाला रास्ता और भी ख़तरनाक है। असल में कुछ नहीं दोस्तों, ये जो रोड है ये मैं अपने आँखों से कम लास्ट ईयर 2021 में 4 से 5 बार ये रिपेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ टिकता ही नहीं है। आज रिपेयर हो रहा है, कल ख़राब हो रहा है, फिर परसों फिर ख़राब। और दोस्तों आप लोग ये सोच के हैरान हो रहे होंगे कि ये बंदा तो फिटनेस चैनल चलाता है तो ये सब क्यों दिखा रहा है। दोस्तों ये सब के बीच में भी एक फिटनेस है, मैं आपको बोलूँगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ये देखो यार, ये रास्ते का भी हालत बहुत ख़राब है, तो वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि
दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिटनेस. कैसे, क्यों, मैं आपको बताऊंगा. तो दोस्तों, जो लेह लद्दाख वाला रास्ता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. उसके बाद हाई रोड मिलेगा जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है नहीं कहूँगा, क्योंकि सचमुच यहाँ का रास्ता एकदम भी अच्छा नहीं है और बहुत ही घटिया रास्ता है. और वन वे है, आप लोग देख सकते हो. तो उससे थोड़ा सा बेहतर है. अभी मैं क्रॉस करके इस साइड जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे यार कुछ ज़्यादा ही झटका मारता है बॉडी को. तो हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि बीस्ट मंत्रा व्लॉग्स, मतलब कि एक फिटनेस रिलेटेड चैनल में ये सब क्या चल रहा है. दोस्तों, मैं हर उस फिटनेस फ्रीक इंसान से ये बोलूँगा, या तो जो लोग फिटनेस को पसंद करते हो, या जो लोगों को लगता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ में या हर टाइम में कुछ ऐसा करते रहो ताकि आप लोगों का बॉडी का जो कैलरी है वो बर्न होता रहे. जैसे कि मेरा थिंकिंग है, मेरे पास दोस्तों बाइक भी है, मेरे पास साइकिल भी है, और साइकिल होने के पीछे यही रीज़न है कि ऐसा ना हो कि बाइक चलाते 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 मेरे को ये लगे यार साइकिल कैसे चलाऊं, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्योंकि आप लोगों को अगर पता नहीं है, आप लोग गूगल करके देख सकते हो, अगर आप लोग एवरी डे 2 से 3 किलोमीटर, यार 2 से 3 किलोमीटर तो ज़्यादा ही हो गया, छोड़ो 1 किलोमीटर भी अगर तुम लोग साइकिल चला लेते हो ना, इट्स ए पार्ट ऑफ फिटनेस ब्रो. तो इससे भी आप लोगों का बहुत भला हो सकता है. तो आप लोगों को ये गलत हो गया यार, मोड़ में पुलिस है और फिर भी ये सब कांड चल रहा है. तो दोस्तों, साइकिलिंग करने के बाद जैसे आप रनिंग करते हो, जैसे आप स्विमिंग करते हो, जैसे आप जिम में वर्कआउट करते हो, इससे जैसे आपका कैलरी बर्न होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से साइकिलिंग भी करोगे तो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से कैलरी बर्न होगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है. ऐसा नहीं है थोड़ा कर लिया हो गया, चलाओ यार क्या है, मज़ा है. एक अच्छा सा साइकिल खरीदो 10-15 हज़ार के बजट में, जो थोड़ा कंफर्टेबल हो, तो उसमें गियर्स भी लगे हुए रहेंगे, पैडलिंग भी करके मज़ा होगा, चला के भी मज़ा. अभी तो बहुत अच्छा अच्छा साइकिल अवेलेबल है मार्केट में, तो आप लोग खरीद ही सकते हो. तो जैसे मैंने ये साइकिल 2016 या 17 में ख़रीदा था डेकाथलन से, बिटवीन ब्रांड का साइकिल है ये मोस्ट प्रॉब्ली इटली का एक ब्रांड है, वहाँ का साइकिल है. मेरा 140 किलो बॉडी वेट है, लेकिन ये साइकिल मैं जब चलाता हूँ ना यार, मेरे को इतना मज़ा आता है कसम से, मतलब बाइक चला के भी मेरे को इतना मज़ा नहीं आता है. तो यही दोस्तों आज का मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, कि कभी कभार साइकिल से ऑफ रोडिंग कर लिया करो, कभी कभार थोड़ा 1-2 किलोमीटर साइकिल चला लिया करो. इट्स ए पार्ट ऑफ अ फिटनेस. और बहुत लोगों को ये लगता है यार साइकिल चला के कैसे फिटनेस हो सकता है. तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, साइकिल एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. इससे भी आप लोगों का कैलरी बर्न होता है. अगर आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग निकले 5 मिनट चलाए आ गए, थोड़ा लंबा लाइक 1-2 किलोमीटर फिर डे बाई डे आप लोग उसको इंक्रीज़ करो. आज अगर 1 किलोमीटर चलाते हो तो 1 हफ्ता बाद उसको 2 किलोमीटर करो, फिर 3 किलोमीटर करो. तो इससे आप लोग यूज्ड टू भी हो जाओगे और फ़ायदा भी आप ही लोगों को होगा. तो दोस्तों, आज का वीडियो था इतना ही. अगर अच्छा लगा तो बीस्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ. तब तक स्टे ट्यून्ड विद बीस्ट मंत्रा. टेक केयर, टाटा, स्टे हेल्दी ब्रो.